हम मौजूद हैं इस वक्त मौसमियात में, जो डाओ अस्पताल से रोड अंदर आता है वहां पर एक सेंटर बनाया गया है। उस्मान साहब ने सेंटर बनाया है, जानने वाले हैं, मैं आपको मिलवाता हूं उनसे कि जहां एडिकेयर सेंटर के नाम से, जहां पर वो मरीज जो किसी भी किस्म का नशा कर रहे हैं, रोडों पर पड़े हुए हैं, फुटपाथों पर हैं, कोई इनका इलाज नहीं करा सकता, किस तरीके से उनका इलाज हो रहा है मैं आपको दिखाता हूँ। हम अंदर चल रहे हैं यहाँ पर, इस वक्त यहाँ पर मौजूदी ने शहर आए हैं, आज इस जगह का इफ्तिताह हुआ है और इस वक्त यहाँ पर कराची शहर के DIG आमिर फारूकी साहब जब तक यहाँ पर थे, क्राइम को बहुत कंट्रोल किया हुआ था। सर इस वक्त FIA में। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, बहुत बहुत मुबारक हो, आप भी इस इफ्तिताह में मौजूद हैं। और अस्सलाम वालेकुम उस्मान साहब। थैंक यू। उस्मान साहब, क्या ये सेंटर कुछ बताएं, फिर मैं सर से भी बात करता हूँ। सर ये सेंटर सर कुछ 6 साल से हमने ऊपर उसको किया हुआ था, लेकिन अभी कुछ इफ्तिताह जब आमिर भाई आए कराची तो इफ्तिताह किया, और जो होमलेस बच्चे हैं जिनको कंपनीज अफोर्ड नहीं कर सकती, घर वाले अफोर्ड नहीं कर सकते, हम उनको इलाके यहाँ उन बच्चों का इलाज करते हैं। ठीक है, किस चीज़ का इलाज? ड्रग्स ये इदारा है उस्ताद बराए मंशियात और नफ्सियात, यहाँ पे प्राइवेट कमरे भी हैं, जनरल वार्ड है, और 4 कंपोनेंट फोकस करते हैं इलाज में, फिजिकली, साइकोलॉजिकली, इमोशनली और स्पिरिचुअली। ठीक है, कोई बच्चा अगर ड्रग यूज कर रहा है, उसका वालिद जिंदा नहीं है या अफोर्ड नहीं कर सकता, गरीब है, बिल्कुल, इसके लिए हमने ये पॉलिसी की है। उस्मान साहब हैं जो हमें ये फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहे हैं, और उस्मान साहब ने ये कहा है कि जो लोग ग्रेजुएट हैं, जो इलाज करना चाहते हैं, जो विलिंग है, आप उनको रखें। जाहिर है ये कमर्शियल है, इससे हम पैसे ले रहे हैं, लोगों से हम पैसे ले रहे हैं, लेकिन और हमने ये भी सोचा है कि जो हमारे बजट है 20% वो हम फ्री में इलाज करेंगे। ठीक है, डन है। और कुछ भी मैं एक चीज जानना चाह रहा हूँ, बिल्कुल, एक माँ है, एक उसका शौहर बाप नहीं है, बच्चे का बाप नहीं है, माँ है, और बच्चा जो है ड्रग में पड़ गया है, और वो माँ अपने बच्चे का इलाज कैसे कराएगी, उसका पैसे नहीं है, आपके पास ऐसा कोई केस हम लेकर आते हैं तो क्या उसका इलाज फ्री में होगा? थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम सर। सर अब आप FIA में, सर किस FIA में क्या देखते हैं सर? वहाँ पे इकोनॉमिक क्राइम विंग उसका डायरेक्टर हूँ, और उसमें मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस हम लोग आजकल देख रहे हैं। सर मैं पूछना चाहूंगा, कराची में आप देख रहे हैं आइस जो है वो तो फैशन बन गया है, और छोटे छोटे बच्चे ये नशा कर रहे हैं, और हम तो चर्स से परेशान थे, हीरोइन से परेशान थे, ये जो हो रहा है सर इसका क्या होगा, इसकी कौन सी कानून साजी है, लोग खुलेआम कैसे घूम रहे हैं, ये तो ऐसा लग रहा है फूड डिलीवरी सर्विस हो गई, आप मैसेज करें घर के ऊपर नशा पहुंच रहा है, ऐसे ही क्या कहना है सर इसके लिए? बिल्कुल, ये एक एपिडेमिक की तरह फैल रहा है माशरे के अंदर, और इसमें जो खासकर ये एजुकेशनल सेंटर्स के जो बच्चे हैं, बच्चियां हैं, वो इसके अंदर एंगेज हो रही हैं, और जब भी हम इसके खिलाफ फिर काम करते थे तो हमें एक साथ साइड बाई साइड हमें इसकी रिहेबिलिटेशन के बारे में भी सोचना पड़ता था, और वो जब हम देखते थे तो घर वाले अमूमन उनसे बच्चों से तंग होते थे, और वो कहते थे कि बच्चा किसी तरीके से इसको या तो हम घर में बंद कर दें, या इसको मारें, क्या करें, कैसे इसको हम समझाएं। तो ये डॉक्टर साहब ने और उस्मान साहब ने जो यहाँ पर एफर्ट की हुई है, तो ये बहुत ज़रूरी है इस माशरे के लिए, और ना सिर्फ ड्रग्स के लिए बल्कि और भी बहुत सारी नफसियाती चीज़ें होती हैं, जैसे खासकर अभी कोरोना का चल रहा है तो लोग बहुत ज़्यादा इसको प्रेशर ले लेते हैं, मेंटल प्रेशर आ जाता है, तो उसके लिए हर दुनिया भर में मतलब इस तरह के सेंटर्स होते हैं, रिहैब सेंटर्स होते हैं, वहाँ पर साइकोलॉजिस्ट मौजूद होते हैं जो डायरेक्ट कर रहे होते हैं, उनको काउंसिल कर रहे होते हैं, उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, और मुझे बहुत खुशी हो रही है यहाँ पे आज आके, और मैंने पेशेंट से भी मुलाकात की, और तमाम के तमाम बहुत हेल्दी कंडीशन में यहाँ पे हैं, जो यहाँ पे सिचुएशन या कंडीशन उन्होंने प्रोवाइड की हुई है वो बहुत ही साफ सुथरी हैं, और बहुत अच्छे तरीके से मैनेज हो रही हैं चीज़ें, और मैं विश करूँगा कि बाकी लोग भी यहाँ पर आएँ और देखें, और ख़ासकर ये जो हमारे तालीमी इदारों के जो मुंतजमीन हैं वो अपने बच्चों को भी कुछ यहाँ पे लेके आएँ, ताकि देखें कि यहाँ पे जो लोग आते हैं वो ड्रग्स लेने के बाद उनकी क्या हालत होती है, लेकिन एक ऑप्शन ट्रीटमेंट का भी मौजूद है, इन तमाम चीज़ों के हवाले से हमें अवेयरनेस पैदा करने की ज़रूरत है, और मैं इनको इस काम के ऊपर बहुत शाबाश। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू आमिर फारूकी साहब का शुक्रिया। सर अपना कॉन्टैक्ट नंबर बता देंगे आपसे? 0300923069। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया।